अब डेटा क्लियरेंसिंग के लिए हमारे पास एक्सेल में दो फॉर्मूले हैं। डेटा क्लियरेंसिंग के लिए एक्सेल में दो फॉर्मूले हैं, एक है ट्रिम और दूसरा है क्लीन। क्यों जरूरत पड़ती है ट्रिम और क्लीन की? क्योंकि भाई क्या होता है कि आप नाम लिखते हैं, आप नाम के बीच में बहुत सारे स्पेस दे देते हैं, या फिर बहुत सारे स्पेस से ही अपना नाम स्टार्ट करते हैं, या कोई करेक्टर स्टार्ट करते हैं, या फिर कुछ करेक्टर देने के बाद आपका बहुत सारा स्पेस होता है। तो जैसे कि ट्रिम का काम है अनवांटेड स्पेस को रिमूव करना। अब कुछ लोगों का एक कंफ्यूजन होता है कि ट्रिम जो है स्पेस को रिमूव करता है, नहीं, अनवांटेड स्पेस को रिमूव करता है। देखिए, जब मैंने ट्रिम का फॉर्मूला लगाया तो इसने सुजीत कुमार के बीच में जो कई सारे स्पेसेस थे उसमें से डिलीट कर दिया, लेकिन एक सिंगल स्पेस यहाँ पे छोड़ दिया, क्योंकि इस कैरेक्टर में, इस नाम में एक सिंगल स्पेस की जरूरत है। ठीक है मैम, समझ में आ गया जी? हाँ जी, हाँ जी, आ गया समझ। अब कभी कभी क्या होता है कि जैसे हम यहाँ पे सुजीत _ देंगे, कुमार लिख दिया। अभी इसको अगर ट्रीम में आप यूज करेंगे तो प्रॉब्लम क्या होगी? प्रॉब्लम ये होगी कि जो सुजीत और कुमार देख रहे हैं ये तो आपको दिख रहा है, लेकिन जब इसकी लेंथ से इसकी लेंथ को काउंट करेंगे, जी हाँ, लेंथ फॉर्मूला यहाँ पे एक नया आता है। लेंथ फॉर्मूला क्या करता है, किसी भी सेल के अंदर कितने नंबर ऑफ करेक्टर है उसको शो करता है। तो यहाँ पे देखिए 1200 हो रहा है, 12, बट आप मैनुअली काउंट करेंगे सुजीत एंड कुमार, तो SUJEET सुजीत, KUMAR कुमार, सुजीत कुमार, इसके बीच में सिर्फ जो है आप देख पा रहे हैं कि 11 लेटर होने चाहिए। ठीक है सर, 11 लेटर होना चाहिए पूजा जी, सॉरी गरिमा जी, बट 12 है। तो अभी क्या है कि टी और के बीच में एक हिडन है, इसको नॉन प्रिंटेबल करेक्टर कहते हैं, जो कि रैप टेक्स में जो डाला था ना, ऑल्ट एंटर जो होता है रैप टेक्स होता है, तो रैप टेक्स का यहाँ पे दिया हुआ है जो प्रिंट में नहीं है बट वजूद में है। जिससे प्रॉब्लम क्या होगी कि कहीं पे आपका सुजीत कुमार इस तरह से डला होगा। अब इसकी जो लेन देखेंगे तो इसकी लेन दिखेगा आपको 11। अब दोनों को वी लुकअप करेंगे, मैच करेंगे, सामिप करेंगे, कुछ भी ऐसा करेंगे या इक्वल मैच करेंगे तो आपको यहाँ पे मैच नहीं होगा। बट विजुअल दोनों का सेम है, बट क्या है कि इसके अंदर एक नॉन प्रिंटेबल करेक्टर है जिस कारण से विजुअल नहीं हुआ है। इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है क्लीन फॉर्मूला। तो आप हैबिट रखें, जब भी आप ट्रिम यूज करें आप क्लीन फॉर्मूला जरूर इस्तेमाल करें। तो इसलिए यहाँ पे हमने क्लीन फॉर्मूला इस्तेमाल किया, जिससे क्या हुआ कि नॉन प्रिंटेबल करेक्टर हट गया, और नॉन प्रिंटेबल करेक्टर हटने के बाद ये हमारा सुजीत कुमार जो आया है, आप इसको अगर लेन से देखेंगे, लेन लगा के, तो 11 आपको दिखेगा। अब कहीं और हमने सुजीत कुमार मैनुअल टाइप कर दिया, हम दोनों को जब इक्वल करेंगे तो दोनों आपको एक जैसा ट्रू दिखाएगा।